आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गिवन क्वेश्चन ही कह रहा है, एज एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द सन हैज अ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ 6.67 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द स्पेसशिप अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन होता है हमारा gm by r square, where m है हमारा मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, सो अब हम लोग एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट जो क्वेश्चन हम लोग को सजेस्ट कर रहा है, कुछ हाइट से रेज कर दिया गया है फ्रॉम दी सर्फेस ऑफ द अर्थ, इसको मैं जी एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उस केस में हमारा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ये हो जाएगा हमारा जी एम बाई आर प्लस एच, एच हाइट से इंक्रीज कर दिया गया है अबव होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम। अब यहाँ पे यहाँ से मैं आर कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर जी एच हो जाएगा हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जी एम बाई आर स्क्वायर जो आप ये है, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी ए बाई वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 6.67 इज इक्वल्स टू 9.8 बाई वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.8। कैंसिल करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 1.48, सो वन प्लस एच बाई आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1.48 जो कि है इक्वल टू 1.21। सो एच बाई आर यहाँ से हमारा हो जाएगा 1.21 माइनस वन विच इज इक्वल्स टू 0.21। आर है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था 0.21। रेडियस ऑफ द अर्थ होते हैं हमारा 6400 अप्रॉक्सीमेटली, एकदम 6400 नहीं होता लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ 6400। सो ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1344 किलोमीटर। सो ये हो गया हमारा हाइट, इतने हाइट से हमारा एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में ऑर्बिट कर रहे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।